हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर हाईकमान के तेवर सख्त हो गए हैं। हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, एसआर के ग्रुप के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के नेताओं की क्लास लगाई है। केंद्रीय नेतृत्व ने एसआर के और पूर्व सीएम हुड्डा गुट के नेताओं की असम में बुलाई गई मीटिंग में हरियाणा में चल रही शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा को शॉर्ट करने की हिदायत दी है। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सूबे में सबको साथ लेने की नसीहत दी। एसआर के ग्रुप के नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर जारी की गई कमेटियों की लिस्ट में उनके लोगों के नाम न होने की शिकायत दी। इस शिकायत को हाईकमान ने गंभीरता से लिया। हाईकमान ने उनको भी कमेटी में शामिल किए जाने का आश्वासन दिया, साथ ही जल्द ही संशोधित कमेटी लिस्ट जारी किए जाने की बात कही। भिवानी में कांग्रेस संदेश यात्रा कैंसिल होने के बाद एसआर के गुट के नेताओं को एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल का फोन आया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने असम के लिए रवाना हो गए। वहां हरियाणा के पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान बाबरिया ने शिकायत की कि यात्रा से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है। इस पर एसआर के ग्रुप के नेताओं ने बाबरिया से नाराजगी प्रकट की, कहा हम भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपके द्वारा किया गया बयान बिल्कुल गलत है। इस पर बाबरिया ने चिट्ठी जारी किए जाने को लेकर खेद प्रकट किया। हाईकमान ने मीटिंग में निर्देश दिया कि दोनों गुटों के नेता एक दूसरे के खिलाफ ऐसा काम न करें, इससे राज्य में पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है। हाईकमान ने एसआर के गुट के नेताओं को कहा कि आप अपनी यात्रा को जल्द से जल्द निपटा लें। दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है, लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में एकता को लेकर अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हो पाई है। हाईकमान ने एसआर के गुट के दलीलों के बाद कांग्रेस संदेश यात्रा को पार्टी की यात्रा मान लिया। हाईकमान की ओर से कहा गया यात्रा के रथ में पूर्व सीएम चौधरी उदय भान की फोटो भी लगाई जाए। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि यात्रा को हाईकमान की ओर से संक्षिप्त करने की हिदायत दी गई। ग्रुप की तरफ से कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई कमेटियों में उनके नेताओं को जगह नहीं दी गई। इस पर हाईकमान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाई कमेटियों में उनका नाम शामिल करेंगे, लिस्ट में बदलाव कर जल्दी भेज देंगे। हालांकि ये कब तक होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।